हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में। चलिए, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, हमें आशा है। आप सभी लोगों से हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे ऐसा हमें लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, मैं आपको यहां पर DRDO, SSC, रेलवे और टेक्निकल सभी प्रकार की जो सभी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए शानदार फ्रेंड्स हमने आज लाए हैं आपके लिए 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018। ठीक है फ्रेंड्स, तो 21वें राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं फ्रेंड्स, तो उनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैंने लाया हूँ फ्रेंड्स, कलेक्शन करके आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है फ्रेंड्स। तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए और इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को भी मिलना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके सामने संपूर्ण जानकारी हम लोग बताएंगे कि कहाँ हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे, सब कुछ जानकारी फ्रेंड्स आपके दो नंबर पक्के हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए फ्रेंड। देखिए यहाँ पर जो है ध्वजवाहक और ओपनिंग सेरेमनी के, क्लोजिंग सेरेमनी के, इसका जो जो मोटो है क्या है इसका मोटो, और इसका लोगो जो क्या रखा गया था फ्रेंड्स, और कहाँ हुए थे, संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स यह इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो सभी जो बने रहिए वीडियो को, थोड़ा 5-10 मिनट का वीडियो होगा फ्रेंड्स, तो पर सभी देख लीजिए इसको, आपको जरूर देखना है, आपको एग्जाम में बने रहना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही ये वीडियो बनाए जाते हैं और हमारी जो रेगुलर क्लासेस चलाई जा रही है। तो देखते हैं हम लोग राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कब 2018 में, तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोगों को। तो सभी स्टूडेंट बने रहिए, शानदार सेशन होगा और शानदार सेशन का आगाज होगा और हम अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे फ्रेंड्स। DRDO अभी आ रही है मार्च में, कुछ ही दिनों में आपको जो है DRDO की जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो उसके लिए ही ये शानदार कंटेंट हमारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और देन उसके बाद 5वें मंथ में, ठीक है फ्रेंड, 5वें महीने में जो है SSC का शेड्यूल चालू हो जाएगा, तो उसके लिए भी शानदार है फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट बने रहिए, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बिल्कुल शानदार पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, इतना पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं आप सभी लोगों को। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे हम शानदार तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कुछ जानकारी दे दूं मैं आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ बेसिक सी जानकारी पहले, देन उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेलों को कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इससे जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम था क्या, ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश के गुलाम होते थे, जो गुलाम देश थे ब्रिटेन के, तो जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे वही जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं। पहले इसका नाम पूछा गया था कि क्या था, तो यह था इसका ब्रिटिश एम्पायर गेम इसका नाम था। और पहली बार, फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम यह हुआ था 1930 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1930 में कहाँ हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। पहली बार कब हुआ था, 1930 में हुआ था, कनाडा में हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। और स्टार्ट कब से हुआ था फ्रेंड्स, 1930 से बता चुका हूँ, पहले इसका ब्रिटिश एम्पायर नाम था। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग इंडिया से हैं तो भारत में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुआ था, तो यह जो है इसका आयोजन किया गया था 2010 में, ठीक है फ्रेंड्स, 2010 में दिल्ली में इसका आयोजन किया था, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया था कॉमनवेल्थ गेम का इंडिया में, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दे दूं मैं, जब भारत ने सबसे पहले भाग कब लिया था कॉमनवेल्थ गेम में, सबसे पहले 1934 में भाग लिया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि खेल कब से स्टार्ट हुआ था, तो खेल 1930 से स्टार्ट हुआ था, बट इंडिया ने एक मतलब नेक्स्ट वाले 4 साल में एक बार होता है, तो यह अगले वाले कॉमनवेल्थ में भाग लिया था, जो कनाडा में नहीं भाग लिया था, इसने लिया था लंदन में भाग, ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड का हुआ था लंदन में, तो लंदन में जो भाग लिया था आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें फ्रेंड्स,
अवार्ड तो आपको पता ही होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर होते हैं गोल्ड मेडल, ठीक है फ्रेंड्स, गोल्ड मेडल सिल्वर और रजत, यह जो पदक होते हैं इनके बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में खेले हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। अब हो चुका है फ्रेंड, जो क्वेश्चन पूछना था मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। अब देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल हुआ है जो 2018 में, अब आगामी कब होंगे फ्रेंड, 2022 में होंगे, तो 2022 अभी बहुत दूर है, तो इसीलिए 2018 के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फ्रेंड्स सभी जो अवार्ड है, जो खेल हुए हैं, सब कुछ वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए लाया जाएगा, आप लोग बस बने रहे चैनल में, और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट। अब ये गोल्ड कोस्ट कहाँ है, तो ये गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, कौन सा, गोल्ड कोस्ट। यह पांचवी बार आयोजन हुआ था, आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया में यह पांचवी बार आयोजित हुआ था। आयोजन की तारीख है 4 अप्रैल 2015, ठीक है फ्रेंड्स, चार अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक इसका आयोजन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। डेट एग्जाम में नहीं पूछ जाती, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स शुभंकर पूछा जाता है। बोरोबी, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पर ला चुका हूँ कि बोरोबी किस तरीके से दिखता है, तो देखिए फ्रेंड्स बोरोबी का सिंबल इस तरीके से होगा। वीडियो को अच्छे से देखना ना भूलिए। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए बोरोबी सिंबल है, तो ये है इसका शुभंकर, ठीक है फ्रेंड्स। मोटो क्या है, शेयर द ड्रीम्स, इसका मोटो, किसी भी खेल स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका मोटो बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका मोटो क्या है, शेयर द ड्रीम। अब कितने देशों ने भाग लिया था, 71 देशों ने भाग लिया था इस खेल में, और आपको बता दूं भारत के 219 सदस्य जो है सदस्य गए थे यहाँ पर खेलने के लिए। अब इसके उद्घाटनकर्ता कौन है, इसके उद्घाटनकर्ता है प्रिंस चार्ल्स, ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंस चार्ल्स महारानी के प्रतिनिधि, जो प्रिंस चार्ल्स है जो महारानी के प्रतिनिधि है, वह इस खेल के उद्घाटन करता थे। फ्रेंड्स आपके लिए इतना शानदार कंटेंट है फ्रेंड्स, आपको तो अदर चैनलों में बता दूं मैं आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ओनली 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बट यहाँ पर तो आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 50 क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कि कितना शानदार टॉपिक है और कितना मजा आ रहा है आपको। देखिए अब जो ध्वज उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, फ्रेंड्स आपको बता दूं सभी जो टीम रहती है, सभी देश रहते हैं, उनका एक तिरंगा झंडा जो इंडिया के जो गया होगा तिरंगा झंडा लेके वहां पे, और सबसे पहले जो फर्स्ट कतार में जो खड़ा होता है बंदा, उसे ही जो उद्घाटन करता है और एक समापन करता, दोनों के समय में एक बंदा सामने खड़ा रहता है, तो वह है PV सिंधु। अब मैं आपको PV सिंधु का फोटो बता दूं, देखिए फ्रेंड्स PV सिंधु यह है, आपको दिख रहा होगा यह PV सिंधु है जो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। अब समारोह समाप्त होगा, तो अब समाप्त जो है मेरी कॉम जो ध्वजवाहक थी, आपको यह पूछा जाएगा कि समाप्त जो समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो आपको बताना है मेरी कॉम, और मेरी कॉम BSNL के एम्बेसडर भी है, ब्रांड एम्बेसडर, चलिए, और यह असम से बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान रखना, इन्होंने सबसे ज्यादा 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और दे दूं मैं आपको। सर्वाधिक पदक किसने जीते, टेलर रक 8 पदक जीते हैं इन्होंने, और यह कनाडा के खिलाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के, कनाडा के खिलाड़ी है। देखिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक, फ्रेंड्स यह पदक मतलब स्वर्ण रजत और कांस्य, 3 पदक है, तो तीनों मिला के सबसे ज्यादा किसने जीता, टेलर रक ने जीता। अब बता दूं मैं आपको स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा मिस लार्किन ने जीता, कितने, 5 गोल्ड मेडल, मिस लार्किन ने 5 गोल्ड मेडल जीता। अब देखिए भारत का पहला पदक, भारत में सबसे पहला पदक जो है कॉमनवेल्थ में दिलाया था 2018 में पी गुरुराजा, रजत पदक जो भरत तोरण से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू जो भरत तोरण से, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है फ्रेंड, बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे खिलाड़ी भारत में पैदा हुए हैं। चलिए भारत के लिए सर्वप्रथम पदक, सर्वाधिक पदक किसने जीता फ्रेंड्स, मोनिका बत्रा बता दो फ्रेंड्स, दिल्ली की रहने वाली है और शानदार खिलाड़ी है फ्रेंड्स मोनिका बत्रा, इन्होंने 4 पदक जीते और यह टेबल टेनिस खेलते हैं।
चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट कुछ बेहतरीन शानदार तरीके से। अब बता दो फ्रेंड्स, जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? गोल्ड कोस्ट में। अब 2014 में हुआ था ग्लासगो यूके में। ये पूछा तो जाएगा पता नहीं, बट 22वां इम्पोर्टेंट है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने वाला है? तो 22वां होगा बर्मिंगम इंग्लैंड में। आपको ध्यान रखना है, शानदार तरीके से आपको हाईलाइट करके भी बताया गया है, जो आपके लिए हाईलाइट किया गया है वो आपको कंटस्ट तरीके से याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। 22वां राष्ट्रमंडल खेल होगा बर्मिंगम इंग्लैंड में। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स पदक तालिका, कि पदक तालिका में सबसे पहला कौन है, दूसरा कौन है। टॉप फोर याद करेंगे फ्रेंड्स हम, ज़्यादा याद नहीं करेंगे, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, आपको सिर्फ इंडिया के पदक ही याद करना है और सबसे फर्स्ट कौन आया है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले पदक तालिका, सर्वाधिक पदक किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, 198 पदक जीता ऑस्ट्रेलिया ने, सर्वाधिक पदक। सेकंड नंबर पे रहा कौन? इंग्लैंड, जिसने 136 पदक जीता, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 136 पदक। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स इंडिया की, तो इंडिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इंडिया में आप लोग एग्जाम देख रहे हैं तो इंडिया आपको जरूर पूछेगा। तो इंडिया ने टोटल फ्रेंड्स 82 पदक जीता। अब 82 पदक जीता है फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं मैं, चलिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं फ्रेंड्स, 82 नहीं जीता है फ्रेंड्स, 66, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है हमसे, आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स, इंडिया ने जीता है 66 पदक, ठीक है फ्रेंड्स। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया ने टोटल कितने पदक जीता, तो इंडिया ने फ्रेंड्स 66 पदक जीता, आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 26 है स्वर्ण पदक, रजत पदक है 20 और कांस्य पदक है 20, ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स यह थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, चलिए तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। आपको सिर्फ इंडिया के पदक याद रखना है फ्रेंड्स, और टॉप में कौन रहा, तो टॉप में रहा ऑस्ट्रेलिया, और सर्वाधिक पदक किसने जीता, सर्वाधिक पदक जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और भारत का तीसरा स्थान रहा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ्रंट पर दिखा दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा पर, और इंग्लैंड दूसरे पर, भारत तीसरे पर, और चौथे पर कौन है, कनाडा है फ्रेंड्स। गोल्ड मेडल जो सबसे ज़्यादा जीतता है उसी के अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर सेट किया जाता है कि कौन पहले और दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं, और बताइए कि कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और हमें आशा करते हैं कि आपको शानदार कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और ऐसे शानदार क्वेश्चन और ऐसे शानदार कंटेंट आपके लिए बनाया जाएगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।